मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, बनाना पड़ता है मिन्नत से, लगन से। आईटी का पेपर देखा, पहला पन्ना पलटाया, दूसरा पन्ना पलटाया, तीसरा पलटाया, 50 नंबर की आईटी में से मेरे को एक नंबर का भी नहीं आता था। सिर्फ एक ही चीज दिखाई दिया, ऊपर अपना नाम, नीचे ऑल इंडिया रैंक 30। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। मैं हूं सी अमित शर्मा, आपका 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 अमित भाई। और आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 30। पर जो आपको नहीं पता कि हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ आई मिस्ड माई रैंक्स बाई 15 मार्क्स इन सी ए फाइनल्स। और इनके अलावा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर पेपर टफ आ जाए तो कैसे टैकल करना है, अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए तो ओवर एक्साइटमेंट से कैसे बचना है, अगर पेपर में कुछ भी ना आता हो, हाँ वो भी हुआ है मेरे साथ, टेंशन मत लो, तो क्या करना है, और सिली मिस्टेक्स का कितने नंबर कट सकते हैं ये भी डिस्कस करते हैं, और क्या स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं क्या, ये भी इसी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज दिखाऊं क्या, चलिए देखते हैं। यप, ये देखिए आप, यहां पे आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हैं क्या? सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओल्ड कोर्स मई 2018, ग्रुप वन की हमारी पास परसेंट 10, ग्रुप टू की हमारी पास परसेंट 15। बोथ ग्रुप्स में पेपर दिए थे 32,878 स्टूडेंट्स ने, पास हुए बोथ ग्रुप्स 353, परसेंटेज 1.07। इसका मतलब कि आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 30 उस टाइम पे जब पासिंग परसेंट सिर्फ और सिर्फ थी 1.07%। है ना, थोड़ा तूफानी सा काम है ना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 30 जब पासिंग परसेंट थे सिर्फ 1.07। तो पता है सबसे पहली चीज मैंने क्या करी थी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने रैंक के बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मेरे को रैंक लेके आनी है। मैं पता है किस चीज़ के लिए पढ़ रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा था कि यार मेरे पेपर जो मैं दे के आऊँगा ना, मेरे को खुशी से पेपर दे के आना है। मतलब कि यार जब मैं पेपर लूँ ना, पेपर मेरे को मिले, मैं पेपर देखूँ, भले ही मुझे 80 नंबर का पेपर आता हो, पर वो 80 नंबर का पेपर पता है कैसा आना चाहिए? यार ये तो देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा केस होना चाहिए कि यार जब मैं पेपर देखूँ ना, तब मैं एग्जाम में जाके टेंशन में ना जाऊँ कि यार जो छोड़ के गए थे ना अपन, वहीं से आ गया। दैट मीन्स कि अगर 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 अपने को 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का भी पेपर आ रहा है ना, तो हमारे पास मेन फोकस ऐसा होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है। मतलब कि चलो मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है? तो मेरा मेन फोकस था सिर्फ इस चीज़ पे कि यार मेरे को अपने पेपर खुशी के साथ देके आने हैं। मेरे को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी कि यार मेरे को ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है, या ऑल इंडिया रैंक क्या होगी, कितनी होगी, पास होंगे कि नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं सोच रहा था कि पास होंगे या नहीं होंगे। अपना मेन फोकस क्या था, सिर्फ एक फोकस था, जिस दिन मैं पेपर दे के आऊँ ना, मैं खुश होना चाहिए कि हाँ चलो जाके आखिरकार बला टली अपनी, पेपर दे के आ गए अपन। ये अपने फोकस होना चाहिए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट फोकस अपना यही होना चाहिए। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, तो जो मेरा अकाउंट्स का पेपर था ना, सबसे 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 पहला पेपर, वो पेपर अपन एग्जाम हॉल में देने गए, दिल्ली में मेरा सेंटर था, एग्जाम पेपर देखा अपन ने, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसमें आई गेस 80-85 मार्क्स का पेपर आ रहा था। 15 नंबर का तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, मुझे आ ही नहीं रहा था। तो पता है मैंने सबसे पहले ट्रिक क्या लगाई, सोच के देखो, मैंने ये सोचा अब सारे एग्जाम हॉल में, ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चे हैं वो 100 नंबर का पेपर करने वाले 3 घंटे में, और मैं अकेला बंदा ऐसा होने वाला हूँ जो 85 नंबर का पेपर करने वाला है 3 घंटे में। मतलब अपने को टाइम मिल गया ना यार एक्स्ट्रा, अब 85 मार्क्स मेरे को 3 घंटे में कवर करने हैं। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने अपना टाइम एलोकेट कर दिया कि यार मैं अपने जितने क्वेश्चन आते हैं ना उस पर अपन टाइम बढ़ा देते हैं। तो अपन को 100 मार्क्स के मिलते हैं 180 मिनट्स, अपन एलोकेट करते हैं 1.8 मिनट्स पर मार्क्स के लिए, बट मेरे को 3 घंटे में यार सिर्फ 85 मार्क्स करने थे, तो मैंने पर मिनट, मेरी मार्क्स एलोकेशन बढ़ गई ना यार, कि मेरे को 1 मिनट में कितना कितना कमी मार्क्स का करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? चलो तो फिर इसके बाद क्या हुआ, अब अकाउंट्स का पेपर तो मैं दे के आया, तो अकाउंट्स का पेपर 85 मार्क्स का अपन करके आए थे, सब बोल रहे थे यार 100 का भी तू नहीं बना के, तेरे को कितना आएंगे कितने नहीं आएंगे।
एंड पता है कितने आए थे मुझे? .60। एग्जेम्पशन टच हुई, यस। क्यों? क्योंकि मैं पेपर देख के घबराया नहीं कि अपने को 15 नंबर का नहीं आता। अपन ने सिर्फ एक फोकस रखा कि जितना आता है ना उतने को बहुत अच्छे से देके आना है। अब बात है हमारे अगले पेपर लॉ की। लॉ तो यार मतलब अपना ना, मेरा मेरा खासकर, मेरे को सब्जेक्ट्स रटे नहीं जाते थे, और लॉ ऐसा था ना, मेरे को उस टाइम पे किसी ने बोला कि रटने वाला चीज़ होती है, वैसे का वैसा लिख के आना है। तो लॉ के एग्जाम के दिन तो अपनी हालत खराब थी एकदम, तो कहते ना वो घिग्गी बंधी हुई थी बिल्ली की तरह। तो अपन ने क्या किया कि जितना रटा था ना, सुबह बस एक फोकस से गए कि भाई मैं जितना रट के आया हूँ माथा उतना खाली करके आऊंगा। 100 मार्क्स का पेपर आया, मुझे ये भी नहीं आइडिया कि मैं क्या लिख के आया, सिर्फ जो क्वेश्चन आते थे वो लिख के आया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उस पर मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ तो पढ़ा होगा ना अपन ने, वो मैं टेप के आया। और लॉ में मैंने सिक्योर किए थे आई गेस 53-54 के आसपास मार्क्स। तो कोई टेंशन लेने की बात है क्या कि अगर अपने को नहीं आ रहा है पेपर बट अपन ने उससे कुछ रिलेटेड पढ़ा है तो अपन कुछ तो लिख के आएंगे ना, कुछ लिख के आएंगे। तो अपने पास ना अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर आता है कॉस्ट एफएम। कॉस्ट एफएम की अपनी बहुत अच्छी तैयारी थी, अपनी बहुत अच्छी तैयारी थी, बट पता है क्या हुआ, एग्जाम में पेपर ना अपने हिसाब का नहीं आया, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया। बट स्टिल अपन ने क्या किया, अपना एक गोल था ना कि पेपर खुशी से देके आना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में अब यहाँ पे काम आती है कि आपको अपना कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। तो मैंने पता है क्या किया, पेपर पढ़ा था अपन, मैंने किया था, बट वो पेपर मेरे को टफ लगा उस टाइम पे, मेरे को टफ लगा कि यार बहुत टफ पेपर आया है। तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक एक करके क्वेश्चंस उठाते गए। क्वेश्चंस मैंने एक भी क्वेश्चन, आपको पता है मैंने एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बनाया। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स थी मुझे नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन को उठाया, हर एक क्वेश्चन को जितना बनना था उतना बनाया, और स्टिल मैंने 55 मार्क्स सिक्योर किए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटर के स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की है कि जरूरी नहीं है कि अपने को पूरा क्वेश्चन आता हो तभी अपन उसे अटेम्प्ट करें। हमारे पास एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग्स के मार्क्स होते हैं, मतलब अगर आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पॉइंट्स के करेक्ट पॉइंट्स लिखे हैं तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अगर अपना पूरा आंसर गलत भी है या नहीं भी बनाया है तो जितना पार्ट बनाया है ना उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो अपने को ये सीखने को मिला क्या कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए या पूरा का पूरा क्वेश्चन बना होना चाहिए, जितना आपने बनाया है उतने के स्टेप मार्क्स ऑब्वियसली मिलते हैं। अब पता है फोर्थ फोर्थ ना टैक्स वाला पार्ट हमारा, उस टाइम पे टैक्स और जीएसटी मिक्स था, अभी भी मिक्स है। तो पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उस टाइम पे हमारे टाइम पे जीएसटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जीएसटी ज्यादा टफ था नहीं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो पता है मैंने क्या किया था, डीटी मेरी स्ट्रांग नहीं रही कभी, लेकिन आईडीटी मैंने शुरू से स्ट्रांग कर ली। आईडीटी इतना बढ़िया करके गया ना मैं, इतना बढ़िया करके गया, जब आईडीटी का मैंने 50 मार्क्स का पेपर देखा मुझे लग रहा था यार 50 के 50 नंबर के मुझे आते हैं। और वो और अपना डायरेक्ट टैक्स का पार्ट मिला के, सी 100 नंबर का पेपर है, 50 मुझे डन आ रहे हैं, मतलब डन के डन आ रहे हैं मेरे, मेरा ऐसा लग रहा है यार बहुत ही बढ़िया मार्क्स, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया मार्क्स है। स्टिल कितने सिक्योर किए मैंने, मैंने सिक्योर किया गया 62-63 के आसपास, मतलब इसमें एग्जम्पशन टच हुई क्या, ऑब्वियसली हुई। अब पता है मुझे सबसे 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 बड़ा झटका जिसे बोलते हैं ना वो लगा पता है कब, हमारे सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में पता है क्या हुआ, अकाउंट्स का पेपर आया, अकाउंट्स का पेपर आया, एडवांस अकाउंट्स का। मैंने पेपर देखा, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यार ये क्वेश्चन तो आता है, दूसरा पढ़ा ये तो आता है, तीसरा पढ़ा ये तो आता है, पता है सारे के सारे क्वेश्चंस आते थे। मैं एग्जाम हॉल से निकल के आया ना, पता है मुझे एक ही चीज लगी क्या, मेरे को डन अगर बंदे ने इजी चेकिंग करी तो 90+ टच करने वाले हैं, और अगर थोड़ी टफ टच चेकिंग करी तो 80+ तो डन अपने टच हो ही जाएंगे। पता है हुआ क्या, मेरे को मार्क्स आए 50s के रेंज में एडवांस अकाउंट्स में। यकीन करोगे मेरे लिए भी इतना ज्यादा शॉकिंग था यार, इतने मतलब इतने इतने कम नंबर कैसे हो सकते। मैं सोचा था अगर टफ भी चेक करेगा तब भी अपन 80s के रेंज में है। और पता है क्या हुआ, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन सारे बनाए थे, मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, और सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करता हुआ आ रहा था। कुछ क्वेश्चन शुरू से ही गलत कर दिए, तो पहला ही गलत हुआ, होता 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 अपनी लुटिया डूब गई। तो इसमें क्या समझने को मिला अपने को कि अगर सबसे पहला पॉइंट ही अपन गलत कर देते हैं और वहां से बढ़ते चले जाते हैं, दैट मीन्स सिंपल 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 अपना क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो सिली मिस्टेक्स काउंट होती है क्या, ऑब्वियसली यार सिली मिस्टेक्स देख ले। मैं सोच रहा था 90-95 का रेंज, ले आए मेरे को किसका 50-55 के रेंज में अपन को। तो सिली मिस्टेक्स कभी भी कभी भी कभी भी नहीं करनी। और वो मैंने क्यों करी, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया पेपर को देखे कि यार अपने को तो डन 90+ का आ रहा है, इसमें 90+ आने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट, ओवर एक्साइटमेंट किल्स, कर दिया ना अपन को, गेम खत्म। पता है अगला पेपर अपना कौन सा था, ऑडिट। और ऑडिट से पहले पता है क्या हुआ, हमारे एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के बीच में एक दिन का गैप था, बट उस दिन मेरे डीयू के बीकॉम ऑनर्स के पेपर पड़ गए। अब यार एक काम कर सकते थे अपन,
या तो पेपर छोड़ देते हैं या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। मैंने घर में बात करी, मैंने बोला मम्मी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बोली यार देख ऑडिट तैयार है क्या तेरी। उस टाइम पे ऑडिट मेरा फेवरेट पेपर था, सबसे ज्यादा लोगों को टफ लगता था, मुझे ऑडिट शुरू से फेवरेट लगा था। ठीक है, मम्मी ने बोला यार दे दे काम कर, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, तेरी ऑडिट तैयार है ना। मैंने भी भगवान का नाम लिया, मैंने बोला जय श्री राम और पेपर देने चला गया। ठीक है डन। पर अपन ने पता है उस टाइम पे फुल प्लानिंग करी, फुल मतलब फुल प्लानिंग करी। इसका मतलब कि यार देखो मेरे को पता था मैं पेपर देने जाने वाला हूँ उस टाइम पे, तो मैंने कैसी प्लानिंग करी, इंटायर अपना पोर्शन ब्रेक करके रख लिया कि यार मेरे को पूरे दिन में 5 घंटे तो मेरे वेस्ट होने वाले हैं, अब अपनी प्लानिंग कैसे करने वाला हूँ। तो मैंने कैसा कुछ किया था ना, मैंने कंपनी ऑडिट जो एक आधी रात वाली छुट्टी होती है ना अपनी, पहले वहां पे खत्म करी, सुबह उठ के कंपनी ऑडिट को रिवाइज करके एग्जाम देने गया, एग्जाम देके मैं बीकॉम के आया, फिर वहां से मैंने अपना पूरा सिलेबस स्टार्ट किया याद करना। कैसे, सबसे पहले वाउचिंग वेरिफिकेशन किया, फिर उसके बाद अपने एसेज रिवाइज किए, उसके बाद बाकी जितने चैप्टर थे सारे किए। और पता है लक अपना क्या हुआ उस टाइम पे, मैं सही बता रहा हूँ, आप अभी भी चेक करोगे ना, मई 2018 जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी ना, उसके ऑडिट के मार्क्स थे 62 और आपके भाई के मार्क्स थे 65। दैट मीन्स कि अपन ने अपने 4-5 घंटे एग्जाम के वेस्ट करके भी अगर अपन प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं तो स्टिल सब कुछ कवर करके एग्जाम दे पाना बहुत 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 आसान है। अब पता है लास्ट पेपर में अपने साथ क्या हुआ था, हर पेपर की एक अलग स्टोरी है। कहते हैं ना रैंक, वो डायलॉग नहीं सुना क्या, मेडलिस्ट पेड़ पे नियुक्त, बनाना पड़ता है मिन्नत से लगन से। तो वही चीज है, मेरे पास हर एक पेपर की डिफरेंट स्टोरी थी। अब लास्ट वाला जो पेपर था ना, लास्ट वाले पेपर में तो अपन गए ही एक्साइटमेंट से थे कि भाई ये आज का पेपर अब है, अब मेरे को सीधा 3 साल के बाद अपने एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, तो अपन गए ITSM के पेपर देने के लिए। और ITSM का अगर आप मेरे किसी भी दोस्त से अभी भी पूछोगे ना, मैं उसको अभी भी बोलता हूँ कि अगर ITSM फाइनल में होता ना, जो इसका नाम से है, मैं फाइनल कभी भी बोथ ग्रुप एक साथ नहीं देने वाला था, मैं एक एक करके देता, क्योंकि IT में मेरा कहता ना, IT में मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, मेरे को IT समझ ही नहीं आती, कंप्यूटर कभी समझ में नहीं आया मेरे को, स्कूल में नहीं आया मेरे को IT कभी समझ नहीं। हाँ SM अपनी स्ट्रांग थी, SM बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो पता है उस दिन एग्जाम के दिन क्या हुआ अपने साथ, मैं गया, ठीक है अपन वैसे एक्साइटमेंट फुल एक्साइटमेंट मोड में थे, गए बढ़िया से। एक तो क्या है ना, उस एक्साइटमेंट के चक्कर में अपन ने ना ड्रेस कुछ ऐसी शर्ट वर्ट पहन के गए थे, अपन शर्ट के 2 बटन अपने खुले हुए थे, अपन गए थे स्टाइल में। सबसे पहले घुसते के साथ ही अपनी क्लास लग गई, इन्विजिलेटर ने हड़का दिया, बोलते तू क्या बन के आया लास्ट पेपर में। अपन क्या करते यार, शुरुआत ही इतनी बेकार होगी अब तो अपनी। अपन गए बैठे, मैंने बोला यार बस आज का पेपर निकल जाए, फिर दोबारा मेरे को इस चीज का मुंह नहीं देखना। आया पेपर, आया अपन ओवर एक्साइटेड, IT का पेपर देखा, पहला पन्ना पलटाया, दूसरा पन्ना पलटाया, तीसरा पलटाया, 50 नंबर की IT में से मेरे को एक नंबर का भी नहीं आता था। यकीन मानोगे मेरे को एक नंबर का भी पेपर नहीं आता था। अपनी हालत डाउन उस टाइम पे, मैंने सोच लिया कि भैया मैं फेल होने वाला हूं CA इंटर के एग्जामिनेशंस में, 50 में से 1 नंबर का नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली वो सेम चीज अप्लाई करी जो मैंने लॉ के पेपर में किया था। क्या, मैंने एक ही चीज सोचा कि भाई वो नहीं आ रहा ना, SM उठाई, क्या SM पे कॉन्फिडेंस रखे, मैंने SM उठाई, SM देखा 50 नंबर का, 45 नंबर की SM आती थी मुझे। और इतना पता था SM में, आप लोगों को पता है ITSM में अगर एग्जैक्टली आप वही लिख के आओगे ना जो आपने पढ़ा है, तो आपको फुल के फुल नंबर मिलते हैं। तो पता है उस टाइम पे वो एक अकेला ऐसा एग्जाम था, लास्ट एग्जाम, जिसमें बोला यार इसमें तो मेरे को अब जुआ खेलना पड़ेगा वरना अपना कुछ नहीं होने वाला। मैंने सबसे पहले SM उठाया। आप आज भी अगर मेरा क्वेश्चन पेपर देखते हो, पता है मैंने कैसे किया, SM 45 मार्क्स का आता था, मैंने बनाना स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन SM का सॉल्व किया, ठीक है डन। मैंने देखा यार 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को इसमें से 3 या 4 नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, अगला बनाया 5 नंबर का, अपन को वैसे भी 50 नंबर का नहीं आता था, तो मेरे पास तो 50 नंबर का करने के लिए पूरे 3 घंटे पड़े थे ना, तो मैंने वैसे किया। फिर अगला देखा यार 4 नंबर का है, ये पूरा सही बनाऊंगा तो 3 साढ़े 3 मिल जाएंगे। ऐसे करके मैं बढ़ता गया, मैंने 50 नंबर का लिखा अपना SM, और उसके बाद देखा यार जोड़ जोड़ के कट कुटा के 38 मार्क्स बन रहे मेरे, पसीने पसीने हो गया था मैं। मैंने बोला यार अब भी अपना नहीं टपरा, कैसे करूं, अपने को अपन ने ऊपर के सारे पेपर्स निकाले और ये नहीं निकला ना, तो अपन गए। पता है मैंने क्या किया, 5 मिनट सांस ली, पानी की बॉटल्स अपने को मिलती है, 2-3 बॉटल पानी पी, एक चक्कर काट के आया स्कूल का, 10 मिनट में बर्बाद हुए। मैंने बोला वैसे ही IT नहीं आ रही क्या करें। अब IT के क्वेश्चंस आराम से मैंने एक एक करके उठाया। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ समथिंग टाइप ऑफ हार्डवेयर वगैरह कुछ,
मैंने बोला यार हार्डवेयर का कुछ आता है क्या, कुछ अपने को आता था इंट्रो या कुछ भी ऐसी चीजें या कुछ भी पॉइंट पढ़ा, मतलब मैं लिटरली वहां पे बैठ के एक-एक क्वेश्चन पे ऐसे सोच रहा हूँ हार्डवेयर कुछ पढ़ा है क्या भाई, अमित भाई सोच, अमित सोच हार्डवेयर कुछ पढ़ा है क्या, हाँ कुछ याद आया वो लिखा मैंने, फिर कुछ अगला याद आया वैसे लिखा। आप यकीन नहीं मानोगे मैंने टोटल 67 आई गेस 17 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें किया, आईटी में 50 में से 17 नंबर का क्वेश्चन में करके आया, और काट कूट के पता है मैं कितने मैंने कैलकुलेट किए, काट के मैंने कैलकुलेट किया इसमें 12 नंबर मेरे को आ सकते हैं, मतलब मैंने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया कि मेरे को 50 नंबर आने वाले हैं। मैंने बोला यार 50 टच हो गया ना बस अब बात खत्म, अब मैं फेल नहीं हो सकता, ये 50 मैंने पूरे मतलब गंदे तरीके से काट के करते हैं ना वैसे किया, ठीक है 67 का बना के आया, मेरे 50 एक्सपेक्टेशन रखी, एग्जाम में डॉट मेरे को 52 मार्क्स आए थे, यकीन कर रहे हो? एग्जैक्टली मैं भी नहीं कर पाया था, मतलब जितने सोचे थे ना उतने आए, तो सिर्फ एक और एक ही पेशेंस अपने को जिसपे 100% फोकस रखना है ना, कि कभी भी अगर पेपर बहुत टफ आ जाए तो सिर्फ आपके लिए नहीं है सबके लिए वो पेपर टफ आया है, और अगर आसान आ जाए तो सिर्फ एक चीज क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में सिले मिस्टेक नहीं करके आनी, अगर पेपर टफ आया है दैट मीन्स सबके लिए टफ आया है तो पैनिक नहीं करना, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से लिख के आओ। सेकेंड पॉइंट, अगर 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 पेपर बहुत ईजी आए तो ओवर कॉन्फिडेंट में सिली मार्क्स पे सिली मिस्टेक्स पे अपने मार्क्स नहीं कटवा के आने। अब पता है ये तो हो गया अपना, जिस दिन रिजल्ट आया मैंने पता किया भी क्या था, आप मेरे इंस्टा पे पोस्ट देखना, मैंने किसी एक पोस्ट पे कमेंट किया है कि मैंने मार्कशीट चेक नहीं करी, पता नहीं क्या था बैक ऑफ द माइंड, पता नहीं क्या दिमाग में था, मैंने सबसे पहले रैंक लिस्ट ही खोली, मैंने रैंक लिस्ट में अपना नंबर डाला, नंबर डालने के बाद अपन ने देखा सिर्फ वो धीरे धीरे कुछ पेज खोल रहा है, दिल धक 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 धक, सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी, ऊपर अपना नाम नीचे ऑल इंडिया रैंक 30। भाई साहब वो जो टाइम था ना मैं बता नहीं सकता कि मतलब किस लेवल की खुशी हुई थी अपने को, और पता है ना रिजल्ट भी दिन में नहीं आया, जैसे अब तो फिर भी सुबह आ रहा है, उस टाइम तो दिन पे आता था, और मेरे टाइम पे रिजल्ट आया रात के 8 बजे, सरकते 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 हम तो पूरे दिन पागल हो गए थे, और उस दिन पूरे दिन मैं एक ही चीज सोच रहा था यार आईटीएस में डूब गया तो, यार आईटीएस में डूब गया तो, और आईसीए वाले और मजे ले रहे थे, 2 का पेपर 3 बजे हुआ, रिजल्ट डिले 3 का 4, 4 का 5, वो जाके डॉट 8:01 पे, मुझे आज भी वो डेट याद है, 8:01 पे वो मेरा रिजल्ट खुला था ऑल इंडिया रैंक 30 के साथ। तो आप लोग देख रहे हो प्रिपरेशन अपन ने जैसी भी करी हो, मैं आज आप लोगों को बताया कि एग्जाम्स कैसे दे के आने हैं, अपना जो लास्ट टाइम है ना, अभी मैं ये आपको नहीं बोलने वाला कि भाई अब ऐसी प्रिपरेशन करो, अपनी प्रिपरेशन जितनी होनी थी डन हो गई, अपन को सिर्फ एक बात पे फोकस रखना है कि यार अपन या तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, पता है मेरे को अभी भी मैं लोगों से बात करता हूँ ना अपने कुछ दोस्तों से या जूनियर से, वो मेरे को बोलते हैं कि इस टाइम पे बहुत पैनिक हो रही है, मैं उनको 4-5 चीजें बताता हूँ, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सब कुछ भूल गए हो, बोलेंगे हाँ मेरे को लग रहा है कि एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ तो लगता है दूसरा भूल गया, दूसरा तो तीसरा, तीसरा तो चौथा, मैंने बोला आपके साथ नहीं ऑल ओवर इंडिया में सबके साथ ये हो रहा है, तो पता है अपने पास सिर्फ इस पॉइंट से निकलने का क्या एक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन, पता है अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आपको एक बार सिर्फ एक बार मैं बुक पढ़ने दे रहा हूं तो क्या आप याद कर पा रहे हो, उसे रिवाइज कर पा रहे हो? हाँ अमित भाई, अमित भाई अपन उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे के साथ ये डिस्कस किया कि अगर मैं आपको 1-1.5 दिन का टाइम देता हूं तो क्या आप पढ़ा हुआ चैप्टर रिवाइज कर लोगे, बोला हाँ यार मैं पढ़ी हुई चीज रिवाइज कर लूंगा मेरे से हो जाएगा, क्या आप उसको 3 घंटे रिटेन नहीं कर सकते सिर्फ 3 घंटे, बच्चे ने ये भी बोला कि यार अमित भाई अपन 3 घंटे भी रिटेन कर सकते हैं, तो और कुछ करना है क्या, आप अगर अकाउंट्स का पेपर देके आ रहे हो 1.5 दिन की छुट्टी है ना अपनी, अकाउंट्स में चलो स्टार्टिंग में 4-5 दिन होती है, नेक्स्ट पेपर ही ले लो, 1.5 दिन की छुट्टी है ना अपनी, 1.5 दिन में क्या मैं पूरा रिवाइज कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ, क्या सिर्फ 3 घंटे उसको याद रख सकता हूँ क्या, एग्जैक्टली आप उसको 3 घंटे याद रख सकते हो, अपना सिर्फ फोकस होना चाहिए 1.5 दिन में मैं रिवाइज कर लूँ और तीन 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 घंटे तक बस उसको याद कर लूँ। अब बताओ अगला कॉस्ट एफएम का पेपर देने जाओगे, कॉस्टिंग का पेपर देने जाओगे, याद रखना है क्या कि अपन ने लॉ में कुछ पढ़ा था, लॉ में LAW नाम का कोई चैप्टर भी होता है, कोई सब्जेक्ट भी होता है, ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई अक्षर भी मैंने पढ़े, याद रखने की जरूरत है ना, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पेपर दे रहे हो उस पर फोकस करो, सिर्फ उसका याद करके आओ, ठीक है गाइस। पता है ये तो अपनी पूरी इंटायर इंटर की बात थी, मैं बताऊँ फाइनल्स में मैंने रैंक क्यों मिस करी 15 मार्क्स से, अगर मैं ये बोलने आऊँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई या ये चीजें हो गई तो ये सेकेंडरी चीजें, पर मेरा मिस क्यों हुआ 15 मार्क्स से, सिर्फ एक रीजन पता है क्या, मैंने रैंक्स की टेंशन पाल ली, ऑल इंडिया रैंक 30 आई ना तो मैंने दिमाग में ये टेंशन ली लिया कि इस बार मैं ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करके रहूंगा, मैंने बोला जब 30 आ सकती है अपने पेपर्स ऐसे जाके तो 1 भी आ सकती है, ठीक
ठीक है, तो शुरू से उस तरफ ही दिमाग रहा, और लास्ट में जब, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, मेरे पास कोई नहीं था गाइड करने वाला, तो लास्ट में जब अपनी प्रिपरेशन आई ना, लास्ट का जो ये एक महीना है, मैं इतना पैनिक किया, मैंने इतना पैनिक किया कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ऑल इंडिया रैंक वन के लिए तो ये भी पढ़ना जरूरी है, ऑल इंडिया के लिए तो ये भी पढ़ना जरूरी है। अपन ने पूरी की पूरी लुटिया डुबो दी, अपन को फीवर हुआ, मैं बीमार हुआ, 3 4 दिन मेरे ऐसे बर्बाद गए। पता है आज भी मुझे याद है, ऑडिट का पेपर था ना, जिस दिन ऑडिट का पेपर था, ऑडिट का पेपर है 2 बजे, मैं 12:30 बजे तक दिन के सो रहा हूँ। क्यों? मेरे को हाई फीवर है, मैं दिन के 12:30 बजे तक सो रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ अब मैं पेपर देने नहीं जाऊँगा। मेरे को अब भी याद है, सिर्फ मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बोली, तू पेपर नहीं दे रहा ना, तू फेल है ना, एक काम कर जाके बस बैठ गया पेपर में, मैं चलती हूँ। भाई जब सारे के सारे पेपर में, उसके बाद मम्मी मेरे को एग्जाम हॉल तक छोड़ के आई है, छोड़ के क्या, सीट तक बिठा के आई कि कहीं मैं भाग के ना आ जाऊँ वहां से, इतनी बुरी हालत थी अपनी। ठीक है, और आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे वो एग्जाम्स दिलवाए, और आज मैं सीए बना हुआ हूँ। तो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी पैनिक नहीं होना, कभी भी पैनिक नहीं करना। अगर हल्का सा भी पैनिक करते हो ना, तो आप मेरी हालत देख लो, जिसने पूरे टाइम अपनी रैंक वन के लिए प्रिपेयर किया ना, उसकी 15 नंबर से रैंक 50 मिस हो गई। देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक का नतीजा है। मैं आपको अब भी बोलूंगा गाइज, सिर्फ और सिर्फ 15 महीने, 15 महीने नहीं, सॉरी, 15 दिन बचे अपने एग्जाम्स के, उसके बाद 15 दिन अपने पेपर होने वाले हैं। गाइज ये एक महीना पूरे इंडिया के लिए एक महीना वैसे ही बीतने वाला है, पर अपन जानते हैं कि अपन के लिए एक महीना कितना इंपॉर्टेंट है। अपन को ये एक महीना, 6 महीना पीछे या लोगों के साथ आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों मैं ये नहीं, कभी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल 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 भी पैनिक मत करना। अगर हल्का सा भी पैनिक करते हो ना, तो एक दिन का बुखार, एक दिन के बुखार से और टेंशन, और टेंशन से एक और दिन का बुखार, उससे एक और दिन की टेंशन, उससे और बुखार। पता है अपन अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। आप लोगों को अगर डर, मैं बताता हूँ 5 पॉइंट्स, 5 भी नहीं, कुछ पॉइंट्स, अगर अपने को ये डर लग रहा है कि यार मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ दूसरा भूल रहा हूँ, अपने को ये डर लग रहा है यार मैं एग्जाम हॉल में रिटेन कर पाऊंगा या नहीं, तीसरा अगर अपने को ये लग रहा है कि यार पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, चौथा ये अपने को डर लग रहा है कि यार जो मैं प्रेजेंट करके आऊंगा उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं, पांचवा ये लग रहा है कि यार मैं कहीं सिली मिस्टेक्स तो नहीं करके आऊंगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, बंदे अपने ऊपर विश्वास रखें, फुल कॉन्फिडेंस रखो, फुल कॉन्फिडेंस रखो। आपने जितना पढ़ा है ना, मैं बोल रहा हूँ पेपर उतने में से आएगा, जितनी तैयारी करी है ना, मैं कह रहा हूँ पेपर उतने में से ही आएगा, उतने में से इतना तो जरूर आ जाएगा कि आप पास करके आ सको, फेल बिल्कुल नहीं करके आओगे। जिस जिसने, पता है आप लोग में से जिस जिसने ना एक बार भी अच्छे से दिल लगा के तैयारी करी ना, यहाँ पे मेरे साथ हाथ रखो और बोलो मैं नवंबर 23 का एग्जाम पास करने वाला हूँ, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे साक्षात आईसीआई सामने मेरे आंखों के ऐसे बैठ के मेरा पेपर ले रही हो, बट स्टिल मैं नवंबर 23 का पेपर पास करने वाला हूँ। इस कॉन्फिडेंस से जाओगे ना, कुछ भी हो जाए, कितना भी टफ पेपर आ जाए, या टफ पेपर अगर बिल्कुल भी टफ आया, 10 नंबर का टफ आएगा, 20 नंबर का टफ आएगा, 25 नंबर का टफ आएगा, 70 नंबर का, 75 नंबर का पेपर तो अपने को आता होगा ना, उसमें से 40 तो मैं सिक्योर कर सकता हूँ ना, एक पेपर टफ हुआ बाकी मैं अच्छा कर लूंगा। तो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी टेंशन मत लेना कि यार अपना तैयारी नहीं हो रही या मेरे को डर लग रहा है। आपने जितनी तैयारी करनी थी, जितनी जान फूंकनी थी, आपने सब फूंक दी है। अब सिर्फ परफॉर्मेंस का टाइम है, परफॉर्म करो, अपना दिल लगा दो, जान लगा दो, और सिर्फ इस बात पे फोकस रखो कि मेरे को जब मैं पेपर दे के आऊं, मेरे को एक ही बात बोलनी कि अमित तूने बहुत अच्छा किया, तू अपना जितना कर सकता था तू उतना करके आया है। और जो जो ये वीडियो देख रहा है और ये अपने आप को बात बोल सकता है ना, अगर आप अभी अपने आप को ये बात बोल सकते हैं कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है उतना मैं अपनी जान फूंक के आने वाला हूँ, तो गाइज आपको नवंबर 23 पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम योर अमित भाई, और अपने सीए इंटर के कॉस्टिंग के दोस्तों के लिए तो मैं वैसे भी अवेलेबल हूँ एट एनी टाइम, आपको कोई भी डर है मेरे को कभी भी कॉल करो, पिंग करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, अपन डिस्कस करेंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर अभी भी अभी भी अभी भी मैं सच कह रहा हूँ आपको प्रिपरेशन में डर लग रहा है, या आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, या आपको किसी बात की पैनिक हो रही है, आप टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो, आप मेरे को पिंग करो, अपन कॉल पे डिस्कस करते हैं, 1 to 1 डिस्कस करते हैं, मैन टू मैन डिस्कशन करते हैं कि यार ये दिक्कत हो रही है मेरे को, ये प्रॉब्लम आ रही है अमित भाई, ये फीलिंग हो रही है मेरे को, मैं किसी को बता नहीं पा रहा, मैं मम्मी को बता नहीं पा रहा कि मम्मी इतनी तैयारी करने के बाद अब मेरे को डर लग रहा है, मैं दोस्तों को नहीं बता पा रहा क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको बताऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो किससे बात करोगे, अपने अमित भाई से बात करो। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल,
कुछ भी डाउट हो किसी भी टाइम पे, इनफैक्ट अगर आपको रात में भी डाउट लग रहा है आप मेरे को पिंग करो, मैं जगा रहा तो पक्का अपन बात करेंगे, तो सुबह सुबह बात करेंगे ठीक है गाइस। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, पैनिक बिल्कुल नहीं लेना, अच्छे से तैयारी करनी है। मुझे पता है आप लोग नवंबर 23 का एग्जाम्स फोड़ के आने वाले हो। अगर 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 आपका अमित भाई इतना लड़खड़ाते हुए भी आज सीए बन के बैठा है ना, तो आप लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा तेज हो यार, बहुत बहुत शार्प माइंड है आप लोगों का। आप लोग ऑब्वियसली 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 बहुत अच्छा सिक्योर करके आने वाले हो ठीक है गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, दिल लगा दो, जान लगा दो, सिर्फ 1 महीना है, उस 1 महीने के बाद ना मैं और आप यहीं बैठ के डिस्कस करेंगे कि अमित भाई मैं 12 घंटे सोऊं, 13 घंटे सोऊं, 15 घंटे सोऊं, मूवी देखूं, घूमने जाऊं, क्या करूं। तो एग्जाम आप दे लो, उसके बाद मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करते कि कैसे टाइम पास करना है। अगले 2 महीने अपन डिस्कस करेंगे टाइम पास कैसे करना है ठीक है, सिर्फ 1 महीना, सिर्फ गाइस 1 महीना। ऑल द वेरी बेस्ट।